हैप्पी होली गाइस, आप सभी को खबरें अभी तक की पूरी टीम की ओर से होली की ढेरों 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 शुभकामनाएं। और ये जो रंग है मेरे हाथ में, ये जिस तरीके से रंगीन है, आप सभी के जीवन में भी यूं ही रंग भरते रहें। तो ये जो होली है आप सभी के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की जो होली हम खेलने वाले हैं जिसके साथ, वो आप सबकी पसंदीदा कलाकार है। तो ये जिस घर के सामने इस वक्त हम खड़े हैं, ये सपना चौधरी का घर है, और सपना चौधरी के फैंस के लिए बेहद खुशी की बात है, क्योंकि इस बार की जो होली है वो हम खेलेंगे सपना के संग। तो सपना के साथ होली खेलने के लिए हो जाइए तैयार। तो आइए लगाते हैं सबसे पहले सपना को कलर। तो सपना के घर हम आ चुके हैं और अब आज हम सपना के साथ होली खेलने वाले हैं, सपना के परिवार वालों के साथ होली खेलने वाले हैं। तो ये सपना के घर का एंट्रेंस है और ये वो पहला रूम है जहां पर सपना अपने सभी डील्स को कंफर्म करती है और यहीं पर सपना के सभी शोज जो है डिसाइड होते हैं। तो सबसे पहले मुलाकात कीजिए सपना की मम्मी से। ये सपना की मदर हैं और कह सकते हैं कि सपना को जो इतनी सपना इतनी मेहनती है, इतना काम कर रही है, इतनी बुलंदियों को छू रही है, तो उसकी बैकबोन जो है वो सपना की मदर है। तो आंटी जी, खबरें अभी तक की पूरी टीम की ओर से आपको होली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। तो जितने भी हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, उन्हें क्या आप गुड विशेस दें? मैं तो यही कहूंगी, साल भर का त्योहार है होली की, सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, बहुत सबको होली मुबारक हो। तो आज बेटी इतनी बुलंदियों पर पहुंच चुकी है, फ्यूचर भी बहुत ब्राइट होगा, तो क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगी, देखो उसका अकेले का कोई हाथ नहीं है, सब लोगों की दुआ है, सब लोग उससे प्यार करते हैं, इसलिए वो आज इतनी है। सभी की दुआएं ही हैं, कह सकते हैं कि आप सभी का प्यार है, जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सभी का प्यार है। तो ये सपना की पूरी टीम है, सपना की पूरी टीम की बदौलत ही सपना इतनी मेहनत कर रही है और आज यहाँ पर पहुँच चुकी है। तो ये जो होली है हम आपकी स्पेशल बनाएंगे, क्योंकि जितने भी चाहने वाले हैं सपना के, आज वो सभी हमारे जरिए, खबरें अभी तक के जरिए खेलेंगे सपना के साथ होली। तो अब कलश लेकर चलते हैं सपना के पास और अब खेलेंगे सपना संग। तो अब आप सभी सोच रहे होंगे कि अब कब सपना आएगी, कब सपना के साथ होली खेलेंगे, लेकिन अब पूरे परिवार से भी हम आपको सपना के मिलवा रहे हैं, क्योंकि कौन कौन है सपना के परिवार में और किसके साथ वो ये होली स्पेशल बनाने वाली है। तो आइए अब आपको मिलवाते हैं सपना के भाई से, ये सपना के ब्रदर है। बहुत बहुत होली की आपको शुभकामनाएं। सपना के फैंस को क्या कहें? मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि सपना की तरफ से और हमारे घर की तरफ से आप सभी के परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली आ रही है, खेलिए कूदिए, मौज लीजिए, वो टेंशन लीजिए मत, आप इतना प्यार करते हैं हमें तो हम टेंशन लेते नहीं है, फिर आप उनका भी। तो जिस तरीके से सपना के भाई ने बोला कि होली आ रही है, टेंशन मत लीजिए, बिना टेंशन के आप होली खेलिए, तो क्या यही मूल मंत्र हम कह सकते हैं कि सपना जो अपने करियर पे इतना फोकस कर रही है और आज इतनी बुलंदियों को छू रही है, हरियाणा की तो शान बन चुकी है, तो क्या यही मंत्र है उसका भी? जी, उनका सेम मंत्र है यही, जैसे कि हम अब गए थे बिहार, गए थे कदम, हम आप मानते हैं कि मतलब बिहार में कितना होली खेलते हैं, मतलब सभी होली के दीवाने। ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी फैमिली का जो सपोर्ट है वो सपना को मिल रहा है, शायद यही एक बहुत बड़ा कारण है कि सपना आज यहाँ तक पहुँची है। तो जितने भी हरियाणा के स्पेशली लोग देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी हरियाणा के लोगों की सोच छोटी है, गाँव की अगर बात करें तो लड़कियों को बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं दी जाती, तो उन लोगों को क्या संदेश? उनका नेचर थोड़ा अलग है, वो सोचते हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं निकल देना चाहिए, कि बाहर जाएंगे तो फिर मतलब ये डांस देखते हैं तो उसको पता, बोलते हैं कि गलत है, ये सही नहीं करना चाहिए, बट बाद में उसको देखते रहते हैं डांस को ही, बोलते हैं भाई काफ़ी अच्छा करते हैं, फिर बुलाते क्यों हो यार, जब अच्छा ही लगता हो तुम्हें, और अपनी बेटियों को यार तुम्हें तो आगे बढ़ाना चाहिए, आप ऐसे घर में बंद करके रखते हैं, शादियाँ कर देंगे आगे चले जाएंगे, उनको कर क्या पाएंगे अपने करियर में, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ उनको, हमें तो इतना कहना चाहूँगा, मतलब डांस के करियर में नहीं, कहीं पर स्टडी में, लॉ में, किसी चीज़ में उनको लगाएं, बट शादी वगैरह भी चीज़ें पड़े किसी। अच्छा मैसेज जो है करण ने दिया है, और सपना की मम्मी जी भी हमारे साथ हैं, तो मम्मी जी आप क्या संदेश देंगे, क्योंकि जो है सच में ऐसा होता है कि आज भी कई लोग लड़कियों को बाहर जाने की इजाज़त नहीं देते, लेकिन सपना उनके लिए बहुत ही एक अच्छा एग्जांपल है। नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है, अब सब लड़की आगे बढ़ रही हैं, सारी लड़की अपना अपना जो काम कर रही हैं वो अच्छे से कर रही हैं, अब लड़की लड़कों से आगे है। बिल्कुल सच कहा कि लड़कियां अब लड़कों से आगे हैं और सपना उसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और सपना चौधरी का अब इंतजार लगता है ज्यादा हो गया, अब मिलवाते हैं आपको सीधा सपना से और खिलवाते हैं उनके साथ रंगों की ये प्यार भरी होली। चलिए, तो इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि हम अब सपना के रूम में आ गए हैं और सपना थोड़ी सी शायद बिजी लग रही है काम में। तो सबसे पहले आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फाइनली हम सपना के पास आ गए हैं, सपना
आपके जितने भी दर्शक हैं, जितने भी चाहने वाले हैं, सबसे पहले उन्हें क्या गुड विशेस दी? हैप्पी होली। आज होली है, मैं तो खेल नहीं पाऊंगी, लेकिन मेरे बदले की आप खेलिए। मेरा शो है, मैं रेडी हो रही हूँ, होली मैं वहाँ पे जाके खेलूंगी अपने दर्शकों के साथ। लेकिन जितने भी मेरे फैंस हैं, हैप्पी होली, प्यार से होली खेलिएगा। ज़रूरी नहीं कि आप इनके साथ खेलें, इनमें केमिकल है आजकल, तो कम यूज़ कीजिए और वैसे ज़्यादा खेलिए। ये मैसेज सपना ने भी दिया है, क्योंकि कलर्स में यूजुअली केमिकल होता है, लेकिन सपना कहते हैं ना कि होली रंगों का त्यौहार है, और हरियाणा में तो वैसे ही होली बहुत मतलब रंग लगा रहे हैं, ग्रीस लगा रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, गोबर में डाल रहे हैं, तो बहुत भयानक होली खेली जाती है। तो बचपन की अगर आपकी बात करें, क्या इस तरीके की होली कभी आपने भी खेली? हाँ, मैंने एक बार ही जिंदगी में होली खेली है, उसके बाद मैंने कभी होली नहीं खेली और मैं खेलती भी नहीं हूँ। मैं होली में बंद हो जाती हूँ। हाँ, क्योंकि हमारे ऊपर एक टंकी है, मैंने उस पूरी टंकी में रंग डाल दिया था, हमारी टैब से भी लाल रंग का पानी निकल रहा था, मम्मी ने मुझे संटियों से पीटा बाद में और मैंने होली खेलना ही छोड़ दिया। मतलब कह सकते हैं कि सपना भी पूरी शरारती थी, नॉटी थी, जितनी मेहनती सपना है उतनी नॉटीनेस भी थी। बस मैं हूँ, मैं बावड़ी हूँ। जिस तरीके से अब सभी के सामने है ये चीज़ें कि इतनी मेहनत की है आपने, और आज छोटे पर्दे पर धूम मचा दी है, बड़े पर्दे पर धूम मचा दी है। और लेटेस्ट सॉन्ग की बात करेंगे, हट जाता हूँ पाछे में, तो वो बहुत ही ज़्यादा मार्केट में पसंद किया जा रहा है, तो अब फैंस को आगे सपना कहाँ देखने को मिलेगी? मैं फैंस को आगे एक और आइटम नंबर में देखने को मिलूंगी, अभय देओल के साथ नानू की जानू फिल्म का ये गाना है, गाना मेरे ऊपर बेस्ड है और गाना बहुत सुंदर है। मैं ये नहीं कहूँगी हट जाता हूँ उससे अच्छा है, लेकिन हाँ, हट जाता हूँ का फूफा जरूर है। तो अब प्रोजेक्ट्स की आपकी हमने बात की, लेकिन जिस तरीके से आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं चल रहे हैं, काम चल रहा है, अभय देओल के साथ आपकी फिल्म आने वाली है, मतलब एक बार दोबारा बड़े पर्दे पर आप धमाका करने के लिए तैयार हैं, तो उसी दौरान स्टेज शोज को किस तरीके से मैनेज कर? मैं अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ, रेगुलर चल रहे हैं फिलहाल तो, और एक भी दिन मैंने आराम नहीं किया। कल मैं कोलकाता जाऊंगी, तो दुखी तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि आप लोगों का सबका प्यार है, लेकिन मैं थक जरूर जाती हूँ, और थकते थकते प्रोग्राम करने में जो मजा कहीं है ही नहीं। तो सपना जी, लेकिन जिस तरीके से आपके प्रोग्राम्स अब आ रहे हैं बिग बॉस के बाद, आपको बहुत ही अलग तरीके से हमने भी देखा है, दर्शक भी देख रहे हैं, और फैन फॉलोइंग मुझे लगता है और ज़्यादा बढ़ रही है, तो वो जो है शोज में भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, लोग मतलब कुर्सियां उठा के पटक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो क्या जादू इतना सपना का दूसरों के सर पर चढ़ गया कि देखने के लिए फैंस जो है दीवाने होते जा रहे हैं? देखिए, मैं बताती हूँ, पब्लिक ज़्यादा तादाद में आती है ना, तो क्या होता है कि सब कोशिश करते हैं कि हम आगे जाके देखें, और पूरी पब्लिक में दो चार छछुंदर ऐसे आपको मिलेंगे जो दूसरों का प्रोग्राम खराब करके खुश होते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है, कौन आ रखा है, क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, उनका बस यही है, एम ही ये है कि प्रोग्राम खराब होना चाहिए। लेकिन सपना, इसका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा? मेरे ऊपर देखिए पड़ता भी है, क्योंकि कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, करे कोई भी, नाम हमारा बदनाम है कि सपना वहाँ आई थी ये हो गया, सपना वहाँ आई थी ये हो गया। और मैं आपको एक बात ज़रूर बता दूँ कि जब तक मैं रहती हूँ तब तक कोई मतलब कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता है। मेरे जाने के बाद भी मुझे भी एक्चुअली में बाद में पता चलता है कि मेरे उस शो में पंगा हो गया, क्योंकि बाद में लाठी चार्ज होता है जब पुलिस के काबू में पब्लिक नहीं आती, वो जाती नहीं है तो हो जाता है। तो क्या पता पुलिस से काबू हो ही ना पाए पब्लिक, वो सपना से ही काबू होना चाहती है। हरियाणा से हम निकल चुके हैं बाहर, और लोग जो हैं पसंद कर रहे हैं आपको, आप बाहर जा रही हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि आप बिहार से अभी प्रोग्राम करके लौटी हैं, तो अलग अलग राज्यों में आप छाप छोड़ती जा रही हैं और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं आपको ना, तो उस दौरान वो जो चीज़ें अब बदल रही हैं उसे देख कर कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है। मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं देख रही थी, सिर्फ मुझे इंसानों के ऊपर ऊपर के सर दिखाई दे रहे थे, कम से कम 5 लाख से ज़्यादा क्राउड होगा,
तो मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। और मुझसे वादा भी किया गया था कि आपने इतनी तादाद में कभी प्रोग्राम किया नहीं होगा, जो कि सच बात निकली, क्योंकि मैंने लास्ट क्राउड 2 लाख तक का हैंडल किया है। मैं जानती हूँ कि मैंने कितने क्राउड में प्रोग्राम किया है, लेकिन 5 लाख क्रॉस करना, बिहार वालों ने मुझे इतना प्यार दिया, मैं सच में सरप्राइज थी। जैसा मैं सुनती थी कि ऐसा है वैसा है, वैसा कुछ नहीं मिला। इतने शांति प्रिय लोग, इतने प्यार से देखा, मेरा डर निकाल दिया उन्होंने। जो आपके सॉन्ग्स हैं उनका क्रेज़ तो लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहा है। इवन हम अपनी बात करें तो हमें भी आपके गाने बहुत पसंद हैं, और जितने दर्शक हैं आपके गाने सुनकर झूम उठते हैं। आजकल शादियों में देख लें या फिर लोग अपनी पर्सनल पार्टीज़ में भी सपना के गाने सुनने बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपका, आपके गानों की बात करें तो आपका पसंदीदा गाना कौन सा है? मेरे सारे गाने पसंदीदा हैं, मैं एक भी गाना ऐसा नहीं कह सकती अपने पे। सपना अगर परफॉर्मेंस करना चाहे, पहला कोई गाना अगर प्ले करना हो तो सपना कौन सा गाना पसंद करती है? मैं कसम से कोई भी गाना प्ले कर देती हूँ, कोई भी। मुझे मेरे गाने शुरू से ही, मैं कभी भी नहीं छाट पाई कि ये गाना ज़्यादा अच्छा है या ये गाना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे मेरे सारे गाने अच्छे लगते हैं। जो आपका हम रूम देख रहे हैं, आपने दर्शकों को भी बताया कि ये जो रूम है यहीं से सभी डील्स सपना करती है और यहीं से हर चीज़ की शुरुआत होती है। काफ़ी मुझे लगता है यादें आपकी इस कमरे से जुड़ी होंगी, तो इस कमरे के बारे में आप अपनी ज़ुबानी हमारे दर्शकों को बताइए। ये कमरा मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि इस कमरे में वो चीज़ें जिनकी मैं फ़ैन हूँ, ये मेरे पापा हैं और मैं साईं की भगत हूँ, और ये मेरी मम्मी है। हाँ, मैं बीमार थी और क्या कहते हैं, मुझे चक्कर आ गए थे डांस करते करते, और मैं मम्मी की गोदी में लेट गई थी। तो मुझे भी नहीं पता कि किस दौरान एक लड़के ने फोटो क्लिक की और वो स्पेशली बनवा के गिफ्ट देके गया। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इसमें इनोसेंस आप देख सकते हैं सपना की, वो कितनी इनोसेंट लग रही हैं और कितने भाव जो हैं सपना के चेहरे पर हैं। कितनी भी वो बीमार रहती हैं या फिर कितने भी इस वक्त वो परेशान है, मुझे नहीं लगता कि इसका असर कभी आपकी परफॉर्मेंस पर देखने को मिलता हो। नहीं, मुझे भी नहीं पता मेरे को एक्चुअली में स्टेज पर जाते क्या हो जाता है, मेरे हाव भाव रंग ढंग दिमाग दिल सब कुछ बदल जाता है। इस कमरे में जितनी भी चीज़ें हैं, देखिए मैं ये नहीं कहती कि एक आर्टिस्ट पैसा नहीं कमाता, बहुत कमा लेता है, लेकिन एक्चुअली में जो कमाई होती है वो हमारी ये होती है, जो हमारी यादें होती है। और इस कमरे में हर एक तस्वीर का कोई ना कोई मतलब है मेरे लिए। गणेश जी की ये जो तस्वीर है ये इसलिए है क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की प्रथा है, कुछ भी चीज़ शुरू करने से पहले इनका, गणपति बप्पा का नाम ज़रूर लिया जाता है। और आप यहाँ आएंगे तो ये राजकिशन जी हैं, हरियाणा के बहुत पुराने रागिनी गायक हैं। मैं इनकी आवाज़ की बहुत ज़्यादा दीवानी हूँ और मैं इन्हें बहुत पसंद करती हूँ। बहुत पुराने हैं, बहुत ये जब गाया करते थे उस टाइम माइक नहीं हुआ करते थे, और इनकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि आप 4-5 किलोमीटर तक आराम से सुन सकते थे। और इनकी तो मैं इतनी तगड़ी वाली फ़ैन हूँ तीनों की। ये आज हम यहाँ हैं, आप लोग हम दोनों साथ हैं, तो इनकी बदौलत राजगुरु सुखदेव जी और भगत सिंह जी। मैं भगत सिंह की बहुत बड़ी फैन, बहुत ज़्यादा बड़ी वाली फ़ैन हूँ। और इस वॉल को तो हम मतलब छोड़ ही नहीं सकते कवर करना, ये वॉल देख सकते हैं पूरी सपना की तस्वीरें हैं यहाँ पर, और छोटे से लेकर बड़े तक हर आप तस्वीर को यहाँ पर देख सकते हैं। सपना, इसके बारे में बताइए। ये एक फ़ैन ने गिफ्ट की है, ये मेरे जन्मदिन की गिफ्टेड है, तो हर चीज़ यहाँ पे बेसिकली गिफ्टेड है। ये राधा कृष्ण है और वो कृष्ण जी हैं अकेले, और उनकी जो उसमें आप देखेंगे उसमें जितनी भी मूर्तियाँ साईं की हैं वो सारी गिफ्टेड हैं, मुझे गिफ्ट दी गई हैं। सपना जी, बहुत सारी यादें आपके इस कमरे से जुड़ी हुई हैं। ऊपर मेरे बिग बॉस के मेडल हैं जो मैंने जीते थे, और ये वो तस्वीर है, युद्ध करके वाली फोटो है जिसकी आधी से ज्यादा जनता फैन है, और ये वो साड़ी वाली फोटो है जिसकी आधी से ज्यादा जनता फैन है, और ये भी मुझे जन्मदिन के दिन गिफ्ट की गई थी। लेकिन जिस दिन मेरा जन्मदिन था मैं बिग बॉस में थी,
तो मैंने ये बाद में आके देखी, अंकल जी बहुत बहुत अच्छे हैं, इन्होंने नीचे बहुत अच्छी लाइनें लिखी हैं मेरे लिए और बहुत प्यारा बना के दिया है, जो भी बना के दिया है मैम। और वहाँ पे आप देखेंगे दीनदयाल सर छोटू बंदी छोटू राम जी की तस्वीर है, जिन्होंने हमारे हरियाणा में बहुत अच्छे अच्छे काम किए, बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हर चीज़ यहाँ पे वो है जो मुझे पसंद है, एक चीज़ को छोड़कर वो मैं बहुत जल्दी लगाने वाली हूँ, संजय दत्त की तस्वीर। एक चीज़ और, एक और क्वेश्चन ऐसा जो हर कोई जिसका आंसर जानना चाहता है। अब सपना को हर जगह हम देख रहे हैं, परफॉर्मेंसेज हो, अलग अलग स्टेज शोज हो, छोटा पर्दा है, बड़ा पर्दा है, तो क्या पॉलिटिक्स में भी सपना इंटरेस्ट रखती है, या हम कह सकते हैं कि राजनीति में सपना को देख सकते हैं? पता नहीं, हो सकता। तो कोई पार्टी है जो सपना को अप्रोच कर रही है अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए? मेरा पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है पब्लिक को एंटरटेन करना। पॉलिटिक्स में जाके पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बाकी मुझे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है, तो अभी कुछ नहीं कह सकती क्या होगा। तो मतलब ये 50-50 है, कुछ हो भी सकता है और कुछ नहीं भी हो। हाँ, 50-50। तो सपना जी, बहुत सारी बातें हमने आपसे जुड़ी हुई जानी है, तो एक बार आप भी अपने परिवार संग होली मनाइए, क्योंकि दर्शकों ने तो देखा कि किस तरीके से सपना होली मनाना चाहती है, या फिर क्या कुछ वो खास करने वाली है। बंदर बना के बोल रहे होली है, आप सभी को भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्यार से खेलिएगा, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि लड़ाई झगड़ा धरती पे रह जाएगा। अगर आपको कोई इंसान पीछे से याद करेगा तो वो सिर्फ प्यार। मैं तो यही कहूँगी, मेरी तरफ से बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं, और अच्छे से होली खेलना, अपने घर में परिवार के साथ प्यार से रहना, पकोड़े खाना, भांग पीना, कुछ भी करना, लेकिन अच्छे से रहना। जी, आप क्या जाते जाते मैसेज देंगी सभी दर्शकों को? बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि पानी ज़्यादा वेस्ट मत कीजिएगा, बहुत कमी होती जा रही है हर चीज़ की, तो आने वाली पीढ़ी के लिए हर चीज़ छोड़ना हमारी जिम्मेदारी है, तो ज़्यादा पानी मत वेस्ट कीजिएगा, कलर ज़्यादा यूज़ मत कीजिएगा, होली खेलिएगा परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, कैसे पकौड़े खाओ, भांग पियो, नाचो, गाओ, दूसरे तरीके से नहीं, गोबर फेंको, कीचड़ फेंको, ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि खांसी में कब खांसी हो जाए कुछ पता नहीं चलता, तो प्यार से खेलिए, प्यार से होली खेलिए। और सपना ने जो मैसेज दिया है, आई होप आप तक पहुंचेगा और आप उसे अपने जीवन में ज़रूर लाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से होली हम खेलते हैं, रंगों का त्यौहार है, प्यार का त्यौहार है, अपनों का त्यौहार है। लेकिन खबरें अभी तक की पूरी टीम की ओर से और सपना जी के, सपना के परिवार की तरफ से भी यही हम आपसे अपील करते हैं कि ये होली जो है प्यार से मनाएं, रंगों के साथ मनाएं, लेकिन ध्यान रहे कि किसी को जो है रंग लगाते वक्त या फिर होली का त्यौहार खेलते वक्त नुकसान ना पहुंचे और आपको भी नुकसान ना पहुंचे। तो खबरें अभी तक की पूरी टीम की ओर से आप सभी दर्शकों को रंगों वाली होली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन जतिन के साथ मैं नेहा वालिया, खबरें अभी तक।